गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सी दिस क्वेश्चन एंड नोट डाउन। गिवन एग्जांपल्स ऑफ पॉलीनोमियल्स पीएक्स, जीएक्स, क्यूएक्स एंड आरएक्स which satisfy the division algorithm and first degree of px is equal to degree of qx, degree of qx is equal to degree of rx and degree of rx is equal to 0। आपको एक एग्जाम्पल लेना है और एग्जाम्पल लेने के बाद आपको यह सेटिस्फाई करके दिखाना है कि जो डिग्री ऑफ px है वो डिग्री ऑफ क्यूएक्स होना चाहिए। एक ऐसा आपको एग्जांपल लेना होगा। ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, डिग्री ऑफ क्यूएक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आरएक्स, डिग्री ऑफ आरएक्स इज इक्वल टू 0। कभी कभी क्वेश्चन आता है आपका आंसर, कोई जरूरी नहीं कि आपका इसका जो आंसर आपके बुक के आंसर से मैच करे, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। अब जैसे मान लो अगर लीनियर पॉलीनोमियल, एक ऐसे पहले समझ लीजिए कि जब हम px में gx का डिवाइड करते हो, यहां qx होता है और रिमाइंडर rx होता है। ऐसा एग्जांपल लेना आपको कि पहला कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेगा, डिग्री ऑफ px ये वाला है डिविडेंड और डिग्री ऑफ qx ये वाला है ऊपर वाला, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। अब एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो लेटर px इज इक्वल टू हम 2x प्लस 6 ले लेते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। अब gx ले रहे हैं, इसमें 2 से 2 ले रहे हैं कांस्टेंट है। अब डिवाइड करके देख लो, आप डिवाइड करके देखोगे आप 2x प्लस 6 ये 2 है आपका, डिवाइड करोगे तो यहां कितना होगा x 2x प्लस 2x हो गया, माइनस कैंसिल 6 कितना हो जाएगा प्लस 3, 2 6 जा 2 3 जा 6 x, रिमाइंडर 0 हो गया। देखो मतलब ध्यान रखना कि रिमाइंडर 0 होगा, आपको चेक कर लो आप कि px कितना है, इसमें px क्या है आपका 2x प्लस 6 ये डिविडेंड है और qx क्या है आपका x प्लस 3, दोनों का डिग्री सेम है आप कह सकते हो, हेंस डिग्री ऑफ px is equal to degree of qx, यानी कोसेंट और डिविडेंड दोनों की डिग्री जो पावर है वो क्या है सेम। आप कोई भी क्या ले लो, ऐसे ले लो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 कोई कांस्टेंट 2x स्क्वायर, ऐसे आप 2 का डिवाइड करते जाओ 2 का कर लो। दूसरा वाला एग्जांपल ले रहा हूं, इससे इसे डिवाइड करोगे क्या आएगा x स्क्वायर, लिख दोगे 2x स्क्वायर कैंसिल, फिर शिफ्ट करो 4x, इसमें इसका डिवाइड करोगे प्लस 2x 4x फिर कैंसिल, फिर प्लस 6 करेंगे प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 कैंसिल, देखो रिमाइंडर 0 हो गया। चेक देखो ध्यान से, ये आपका px है और ये आपका qx है, तो दोनों की डिग्री सेम आ रही है, यहां पर दोनों की डिग्री 2 आ रही है, हेंस वेरीफाइड। यानी इस टाइप का एग्जांपल आप करके प्रैक्टिस करना कर सकते हो आप। अब सेकंड क्वेश्चन जरा देखो, सेकंड क्वेश्चन में आप अपने बुक में जो आप डिवाइड किए हो, जैसे एग्जांपल नंबर सॉरी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें डिवाइड करना किसका x स्क्वायर माइनस 2 का,
कितना होगा एक्स होगा एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर सॉरी टू एक्स माइनस प्लस कैंसिल माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री डिवाइड करोगे तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स टू थ्री जा प्लस सिक्स आपको यहाँ प्लस ये माइनस कैंसिल सेवन एक्स माइनस नाइन ध्यान से देखो ये डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या है ये वन और डिग्री ऑफ आर एक्स देखो वन आप ये क्या बोल सकते इस टाइप का आप इस टाइप का क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एग्जांपल हो सकता है ठीक है डिग्री ऑफ आर एक्स जीरो मतलब रिमाइंडर जो आएगा वो कांस्टेंट टर्म में आएगा आपको मालूम है कि कांस्टेंट टर्म का डिग्री जो होता है वो कितना होता है जीरो होता है आप जो भी क्वेश्चन करोगे आप अभी अपने बुक में आप ऐसे देख लो आप कि क्वेश्चन एग्जांपल नंबर एट एग्जांपल नंबर एट जरा देखो एग्जांपल नंबर एट में ऐसे ही बता दे रहा हूं एग्जांपल नंबर एट में रिमाइंडर थ्री आ रहा है तो रिमाइंडर थ्री का मतलब हुआ रिमाइंडर थ्री आ रहा है तो थ्री का मतलब हुआ कि डिग्री आप आगे से इतना हो जाएगा आपका जीरो हेंस वेरीफाइड मतलब इस टाइप का प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्यूबिक पॉलीनोमियल है क्यूबिक पॉलीनोमियल में बता दूं एक बार फिर याद कर लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए ये तरीका देखो कोफिशिएंट का खेल होता है ये ए का सब में डिवाइड होगा लेकिन ये वाला देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए क्यूब स्क्वायर लीनियर कॉन्स्टेंट अब देखो क्या होता है माइनस पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस देखो माइनस प्लस माइनस ये जो बी सी डी दिख रहा है उसे सब में ए का डिवाइड होगा याद करने का तरीका आप जैसे चाहे जैसे याद कर लो ठीक है अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि वेरीफाई द नंबर ऑफ गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल बिलो आर देयर जीरोस एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केस पहला वाला क्वेश्चन बता रहा हूं पॉलीनोमियल लेट कर लो px आपको px दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इसके थ्री जीरो दिए हैं और कह रहा है कि जीरो को आप वेरीफाई करो ये तरीका है थ्री जीरो कौन कौन से हैं ये ऊपर लिख दे रहा हूं वन अपॉइंट टू कमा वन एंड माइनस टू तो पहले तो आपको वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरो है कि नहीं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट डायरेक्ट पी वन बाई टू फाइंड आउट करोगे वन बाई टू 1 by 2 से 0 आना चाहिए 2 into 1 upon 2 का whole cube 1 upon 2 का whole square minus 5 into 1 by 2 plus 2 तो ये कितना हो जाएगा 2 into 1 upon 8 plus 1 by 4 minus 5 by 2 plus 2 ये कितना हो जाएगा कितना है ये 2x cube plus x square minus 5x plus 2 1 by 2 देखो ये हो जाएगा 1 बाई 8 1 बाई 4 माइनस 5 बाई 2 प्लस 2 अब देखो यहां पर 2 4 या 8 देखो 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 माइनस 5 बाई 2 प्लस 2 सॉल्व करोगे
1 बाई टू होगा, 1 बाई फोर प्लस 1 बाई फोर, 1 बाई टू हो जाएगा, डायरेक्ट बता रहा हूं 2 बाई फोर, 1 बाई टू, माइनस 5 बाई टू प्लस 2, 2 प्लस 1 बाई टू ऐड करोगे 5 बाई टू होगा, माइनस 5 बाई टू इज इक्वल टू 0, 0 आएगा, नहीं आएगा तो कर देना, बेसिक ध्यान रखना। एग्जाम में अगर आता है तो अगर कहता है कि वेरीफाई ये ऑल दीज आर जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल, तो जीरो तो आना ही आना है। एग्जामिनेशन को भी होता है, मान लो कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है तो उसको जीरो दिखा देना, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, पी वन, आप पी वन पुट करोगे, अभी आपको करना है, पी वन पुट करोगे तब भी जीरो आएगा, पी माइनस टू पुट करोगे तब भी जीरो आया, तो उसके बाद लिखेंगे हेंस वन अपॉन टू कॉमा वन कॉमा माइनस टू आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर टू होमवर्क है, इसमें भी थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं। पी वन बाई टू दिखा दिया मैं जीरो, पी वन आपको जीरो दिखाना है, वैल्यू पुट कर देना इसमें, पी माइनस टू में भी जीरो आएगा, वैल्यू पुट करोगे तो जीरो आएगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना है। अब बेटा मैं बता रहा हूं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में फिर अब देखो और स्टार्ट कर दिया कि आप जानते हो कि अल्फा कॉमा ए अल्फा बीटा गामा ए थ्री जीरो है, तो फार्मूले में आ जाओ। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फार्मूला क्या होता है, माइनस डी बाई ए। अब देखो यहां पर ए क्या है, ए आपका टू है, बी आपका वन है, सी आपका माइनस फाइव है, डी आपका टू है। अब पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो थ्री जीरो है, वैल्यू ऐसे इंप्लाइज दैट वन अपॉन टू प्लस वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, वन और टू। सॉल्व करो इसको, ये वन प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ये सॉल्व करोगे तो माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एक वेरिफिकेशन हो गया। फिर सेकेंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या फॉर्मूला होता है, सी बाई ए। अल्फा बीटा मतलब ऐसे वन अपॉन टू इंटू वन प्लस वन इंटू माइनस टू प्लस माइनस टू इंटू वन बाई टू, देखो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ऐसे, ठीक है ना, ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, ये इज इक्वल टू सी क्या है आपका, सी देखो फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव बाई टू। सॉल्व करोगे इसको, वन अपॉन टू माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। देन ऐसे ये सॉल्व करोगे तो वन अपॉन टू माइनस फाइव बाई टू ही आएगा इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई, ये देखो। फिर आप ये जीरो ये कोफिशिएंट आप चाहो तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक वाले में भी ये शॉर्टकट हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट आपका क्या है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, अल्फा वन बाई टू इंटू वन इंटू माइनस टू तो माइनस डी, डी कितना आपका टू बाई टू, अब देखो यहाँ पर टू से टू कैंसिल, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, आप यहाँ लिख देना हेंस वेरीफाई, वेरी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट वी विल डू नेक्स्ट वीडियो, आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री फोर एंड फाइव। थैंक यू।